परिवार के द्वारा बनाए गए जर्जर हो चुके टॉयलेट में एक मासूम बच्चे की जान चली गई, जिसके बाद एक बार फिर सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार का खेल सामने आ गया। आज टीवी 9 की टीम ने यूपी के कई जिलों में सरकार के द्वारा बनाए गए टॉयलेट का जायजा लिया कि उनकी क्या स्थिति है। कई जगह टॉयलेट इतने जर्जर हो चुके हैं कि टूटने की कगार पर हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं लखनऊ के मडियाओं में घरों में बने सरकारी टॉयलेट का हाल। यहाँ टॉयलेट की कंडीशन बहुत ही बुरी है। टॉयलेट इतने जर्जर हैं कि कभी भी गिर सकते हैं। देखिए ग्राउंड जीरो से टीवी 9 यूपी की रिपोर्ट। लखीमपुर में सरकारी वॉशरूम जर्जर होने के कारण एक बच्ची की जान चली गई और इस समय हम पहुंचे हैं राजधानी लखनऊ में। जी हाँ, लखनऊ का हाल हम दिखाएंगे कि लखनऊ में जो सरकार के द्वारा जो वॉशरूम बनाए गए थे, जो टॉयलेट बनाए गए थे, उनकी क्या स्थिति है। ये आप देख पा रहे होंगे कि ये राजधानी लखनऊ की स्थिति है। ये आप देख चुके हैं कि किस तरीके से जो पूरा वॉशरूम है वो पूरी तरीके से जर्जर हो चुके हैं। यहाँ तक कि ऐसे यहाँ पर वॉशरूम है, यहाँ पे इस तरीके के भी टॉयलेट है जो कि पूरी तरीके से जर्जर हो चुके थे और जो कि पूरी तरीके से टूट गए हैं। मतलब कि आप उनके यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि ये देखिए, ये सारे जो वॉशरूम हैं ये सरकार के द्वारा वॉशरूम बनाए गए थे, लेकिन इन वॉशरूमों की जो स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, जर्जर हो चुकी है और इनकी जो दीवारें हैं वो पूरी तरीके से टूट चुकी हैं और काफ़ी बुरी कंडीशन में है ये सरकारी वॉशरूम। यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और आपको दिखाऊं कि ये जो आप जगह यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये सामने जो आप ये मलबा देख पा रहे होंगे, ये यहाँ पर सरकारी वॉशरूम सरकार की तरफ से बनाया गया था। ये जो आप सारे मलबा देख पा रहे होंगे, सरकारी वॉशरूम यहाँ पे बनाया गया था, लेकिन इसकी स्थिति जो है वो इतनी ख़राब हो गई थी कि ये अपने आप ही टूट के गिर गया। अच्छा यही रहा कि यहाँ पे किसी भी तरीके का हादसा नहीं हुआ। ये देखिए, ये यहाँ पर सरकारी वॉशरूम यहाँ पे बनाया था, लेकिन ये इतना जर्जर हो चुका था, इतनी बुरी कंडीशन में था, इसका कंस्ट्रक्शन इतना ख़राब था कि ये पूरी तरीके से टूट के भरभरा के गिर गया। बस अच्छी बात ये रही कि इसमें किसी तरीके से कोई हादसा नहीं हुआ। ये बताइए, यहाँ पे वॉशरूम था भैया, तुम टॉयलेट था, टॉयलेट था, हाँ हाँ, लेटरिन, तो कैसे गिर गया ये? या दीदी जब पानी गिरी तो ऐसा है, उल्टी गवा अपने आप ही उल्टी, हाँ अपने आप है उल्टी हुआ। चोट तो नहीं आई थी? हाँ ज्यादा गहरे में चोट तो नहीं आई बेटी, अत्ते अत्ते गहरे में है, कच्चा तीना सीरमेंट लगाई ना है, हाँ। तो जुड़ गया, जो पक्की बनाए होती तो उतना बनती, हाँ पक्की, बहुत बुरा कंडीशन, ये दो ईटा लगा है बेटी, यही लेटरिन का। ये इस तरीके का कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करवाया जा रहा है कि इतने बुरा कंडीशन में यहाँ पे टॉयलेट्स हैं जो अपने आप ही भरभरा के गिर जा रहे हैं। और मैंने आपको और भी यहाँ पर दिखाया कि किस तरीके से यहाँ पे जो टॉयलेट्स की जो स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। कुछ टॉयलेट्स यहाँ पर ऐसे हैं जहाँ पर लोगों ने, इतना ख़राब होने के कारण लोगों ने वहाँ पर अपने जानवर बांध दिए। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी के मैंगलगंज थाना क्षेत्र के गाँव चपरतला में शौचालय गिरने से मलबे में दबकर एक 5 साल के मासूम की मौत हो गई, जिसके बाद दहशत में आए ग्रामीणों ने खुद ही अपने शौचालय को तोड़ना शुरू कर दिया। प्रदेश के कई जिलों में अब भी कई शौचालय जर्जर हालत में हैं और आए दिन ऐसे सरकारी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही हैं।